नमस्कार, हिंदी नेट न्यूज में आपका स्वागत है। पत्रकार पर हमला का तोड़ा हाथ। जी हाँ, यूपी में पत्रकारों के खिलाफ अपराध के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा मामला मऊ जनपद में देखने को मिला, जहां पत्रकार द्वारा अतिक्रमण कर रहे दबंगों की फोटो खींचने दबंगों ने पत्रकार को मारपीट कर उसका हाथ तोड़ दिया है। मामला मधुबन थाना क्षेत्र के ढिलई फिरोजपुर गांव का है, जहां चकमार पर कुछ दबंगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था। पत्रकार मोहम्मद जाबिर को जब इसकी सूचना मिली तो तत्काल मौके पर पहुंचकर उस अतिक्रमण की फोटो लेने लगे। तभी अतिक्रमण की फोटोग्राफी से नाराज दबंगों ने पत्रकार को घेर लिया और लाठी डंडों से पत्रकार पर हमला बोल दिया। दबंगों ने पत्रकार का कैमरा तोड़ने की भी कोशिश की। इसी दौरान डंडों के प्रहार से पत्रकार का हाथ टूट गया। इस घटना के बाद पत्रकारों में काफी रोष व्यक्त हो गया है। पीड़ित पत्रकार और उसके परिजनों के साथ मधुबन तहसील के पत्रकारों ने थाना में दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। क्या हुआ, कल की घटना क्या हुई? कल वहाँ मुझे सूचना मिली कि वहाँ चकमार था, वहाँ खुदाई कर रहे थे, तो मैं गया वहाँ फोटो लेने। फोटो लेकर जाने लगा तो ये लोग पीछे थे, हमला कर दिया। कौन लोग थे, नाम क्या था उनका? निहाल और ये कमाल उस्मान, दोनों लोग। पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी की है? हाँ, एक की। किसकी? निहाल उस्मान की, बाकी एक नहीं मिले। मधुबन थाना में वो पत्रकार महोदय गए थे कवरेज करने, वहाँ जनता से मारपीट हुई है, उनके हाथ में फ्रैक्चर आया और एफ आई आर दर्ज हो गई है, आगे कार्रवाई की जा रही है।